गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पादप में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। श्वसन की बात करें तो श्वसन जो है वो जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण होता है, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो। सभी जीवों में जब तक जीवन है, या कहना चाहिए कोशिकाओं में भी, एक कोशिकीय कोशिकाओं में भी जब तक वो कोशिका जीवित है तब तक उसमें श्वसन एक जैविक लक्षण होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये श्वसन होता क्या है। हमें पता है कि प्रत्येक जीवधारी को, चाहे वह पौधा हो या सूक्ष्म जीव हो या जंतु हो, कोई भी जीव हो, अपनी दैनिक जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा ATP के रूप में कोशिकाओं को, शरीर की कोशिकाओं को, यानी जीवधारियों को कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है। इस कार्य के लिए जीवधारी में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में संचित सौर ऊर्जा ही है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो सौर ऊर्जा पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं, वही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवधारियों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए प्रकाश संश्लेषण में निर्मित खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति श्वसन क्रिया से होती है। अब प्रकाश संश्लेषण में बना हुआ ये भोज्य पदार्थ, ये कार्बोहाइड्रेट जो सबसे सरल होता है, C6H12O6, इसे ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीवधारी सरल रूप में कन्वर्ट करके कोशिकाओं के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में भेजते हैं, जहां पर इस कार्बोहाइड्रेट को का अपघटन करके या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में कन्वर्ट किया जाता है, और इसमें संचित जो सौर ऊर्जा होती है उसे ATP ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, जो जीवधारियों को कार्य करने के लिए दिया जाता है। केवल हरे पौधे और नील हरित जीवाणु अपना नियोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी भोजन बना सकते हैं, प्रकाश की ऊर्जा को संचित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च के रूप में अपने अंदर संचित करके रखते हैं। पौधों में भी केवल हरे रंग की कोशिकाओं में ही ये क्रिया होती है, पौधे के प्रत्येक भाग में ये क्रिया नहीं होती। हरे भाग में हमको पता है कि क्लोरोफिल होता है, और इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है जो हमने पढ़ा। प्राणी जो है वो परपोषित होता है, मतलब ये अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है। परोक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी जीव जंतु जो है वो डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाते हैं, और मांसाहारी जीव जंतु शाकाहारी जीव जंतु को खाते हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं उनको, तो इस रूप में इसको भोजन को प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कवक, मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं। हालांकि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अणुओं का विघटन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में इस भोज्य पदार्थ के विघटन के लिए एंजाइम्स होते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप होता है, एक ही बार में नहीं टूटता, ये कई स्टेप बाय स्टेप रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तब ये ऊर्जा जो है वो ATP ऊर्जा संचित होती है। खाद्य पदार्थों के कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना ही सांस या रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाता है। इसमें जिस यौगिक यानी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको श्वसनी क्रियाधार यानी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है वो मुख्य श्वसनी क्रियाधार होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है श्वसनी क्रियाधार के रूप में। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वसा, और वसा भी नहीं है तब प्रोटीन का उपयोग किया जाता है जो कि कोशिका में संग्रहित रहते हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट श्वसन का मुख्य क्रियाधार है। श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का श्वसन आधार के रूप में उपयोग होने पर इसे प्लावी श्वसन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा और वसा के भी उपयोग में आ जाने पर प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। जब श्वसन में प्रोटीन का श्वसन आधार के रूप में उपयोग होता है तो इस प्रकार के श्वसन को
प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहा जाता है। पौधों की जीवित कोशिकाओं में स्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट्स या अन्य खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन और ऊर्जा का विमुक्तिकरण ही श्वसन कहलाता है। श्वसन के दौरान ऑक्सीकरण से एक साथ ऊर्जा मुक्त नहीं होता, ये ऊर्जा एंजाइम के द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी रासायनिक अभिक्रियाओं से वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप एटीपी के रूप में मुक्त होता है, और जब भी इस एटीपी की आवश्यकता होती है तब इसमें का फास्फेट बंध टूटता है और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार एटीपी कोशिका के लिए एक ऊर्जा मुद्रा का कार्य करते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या पादप सांस लेते हैं? आर प्लांट्स रिस्पायर? हम जानते हैं कि प्रत्येक सजीव श्वसन करता है, है ना? चाहे वो एक सजीव एक कोश की हो, चाहे बहुकोश की हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, सभी सजीव श्वसन करते हैं। श्वसन जो है वो एक मुख्य जैविक लक्षण है। तो इस प्रकार चूंकि पादप भी जीवित होते हैं, सजीव होते हैं, इसलिए पादप भी श्वसन करते हैं। पादपों में भी श्वसन जो है वो जीवों की भांति निरंतर होते रहता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। पादप श्वसन क्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। लेकिन पादपों में प्राणियों की भांति गैसीय आदान प्रदान के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। गैसीय आदान प्रदान के लिए पत्तियों में पाया जाने वाला रंध्र और तने में पाया जाने वाला वात रंध्र, इसके द्वारा ही गैसीय आदान प्रदान पादप जो है वो वायुमंडल से करते हैं। पादपों में दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने से सरलता से ऑक्सीजन प्राप्त होते रहता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता ही है, उसे वो श्वसन के लिए यूज करते हैं, और रात के समय ये वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती रहती। श्वसन क्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो इसको समीकरण के रूप में अगर हम दर्शाएं तो C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, और ये जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप 6CO2 प्लस 6H2O और लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा एटीपी ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर अनेक छोटे छोटे चरणों में रासायनिक अभिक्रिया के रूप में होता है, और प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया जो है वो एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है और एटीपी ऊर्जा का संश्लेषण होता है। इस प्रकार अगर हम श्वसन को देखें तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, तब इसको ऑक्सीश्वसन कहते हैं, और कुछ जीव जो है बिना ऑक्सीजन के ही भोज्य पदार्थों का विघटन करते हैं, तब उसे अनऑक्सीश्वसन या अवायवी श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार का, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें खाद्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर समीकरण में दिखाया जा रहा है ऑक्सीकरण, यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का विघटन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये पूरी तरह 6CO2 प्लस 6H2O में ब्रेक डाउन हो रहा है, और इससे 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है। दूसरा है अनऑक्सीश्वसन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस श्वसन में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता और इससे कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है, और इसके फलस्वरूप अल्कोहलिक पदार्थ, कार्बनिक अम्ल, है ना, और CO2 का निर्माण होता है। इस प्रकार के श्वसन को अंतराणविक श्वसन भी कहा जाता है। जैसे देखिए C6H12O6 यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, है ना, तो ये ब्रेक डाउन हुआ C2H5OH अल्कोहलिक पदार्थ में प्लस CO2, पूरी तरह ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, है ना, CO2 बचा ही हुआ है और जल भी इसमें नहीं निकल रहा है, और इसमें बहुत कम ऊर्जा 56 किलो कैलोरी ऊर्जा केवल, ठीक है, एटीपी ऊर्जा बनती है। तो ये जो अनाक्षी श्वसन है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा भोज्य पदार्थों के विघटन से, है ना, संग्रहित अंकुरित होते बीजों में, मांसल
फलों में अस्थायी रूप से अनाक्षी श्वसन होता है और कवक और जीवाणुओं में ये एक नियमित प्रक्रिया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये भोज्य पदार्थों का विघटन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।